করেছি বুঝি? কেন গো, এই জমি নিষ্কর নয়? हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू रिया अनलीश्ड। आज है 7 अगस्त एंड काफ़ी दिनों बाद से शूटिंग स्टार्ट हुई है, डेली सोप की शूटिंग स्टार्ट हुई है। एंड मैंने कल भी शूट किया था, लास्ट डे वाज 6 अगस्त। और यहाँ पे मैं एक डेली सोप कर रही हूँ, बेसिकली इट्स अ सॉर्ट ऑफ पीरियड ड्रामा। एक बंगाली साधु बाबा थे जो कि बहुत अच्छे थे, लोग उन्हें बेसिकली बहुत मानते हैं, तो उनके ऊपर सीरियल है एक, तो उस पर मैं एक देवी का कैरेक्टर कर रही हूँ। कि सुबह के कुछ 8 बज रहे हैं और अभी मैं सीधा जाऊँगी सबसे पहले तो मेरे जिम पे। जिम आप लोगों को पता है कि 5 अगस्त से जिम खोलने का परमिशन मिला है, तो अभी जाने वाली हूँ शूट पे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा व्लॉग कर लेती हूँ आज का भी दिन, क्योंकि आप लोगों को मेरा लास्ट वाला शूट डे वाला व्लॉग बहुत पसंद आया था, बहुत लोगों ने अच्छा उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट दिया, तो मैंने सोचा चलो ये भी दिन शूट कर लेते हैं। आपको ये देख के लग रहा होगा कि यार रिया इतनी काली क्यों लग रही है, पर गाइस कैरेक्टर का डिमांड था। मैं हूँ तो देवी, लेकिन किसी और रूप में प्रकट हो रही हूँ, मैं काली माता का अवतार थी, वही मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। याद कीजिए बर्फी में प्रियंका चोपड़ा कैसी लगी थी, या बाला फिल्म में भूमि पेडनेकर का लुक कितना डार्क था। भाई मैं तो ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि हर तरह के लुक में मुझे काम करने का मौका मिला, और मेरा लुक भी ऐसा है ना कि मैं हर तरह के रोल को अपना सकती हूँ। कभी रिच लग सकती हूँ, पुअर लग सकती हूँ, मॉडर्न लग सकती हूँ, बिल्कुल ही गांव वाली लग सकती हूँ। तो यहाँ मैं हूँ बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड। आप अगर सोचते हैं कि यू नो आपका लुक उतना अच्छा नहीं है, कि आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिफ़िकल्ट है, लेकिन हर तरह के रोल, हर तरह के लोगों के लिए इंडस्ट्री में काम है। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अलग अलग लुक में अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स प्ले करना। बहुत प्रिविलेज्ड हूँ मैं जो मुझे मौका मिला, मतलब दिया जाता है, और मैं उस मौके का फ़ायदा भी उठाने की बहुत कोशिश करती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि मैं कैसे लग रही हूँ, मेरा पूरा पूरा फोकस मेरे एक्टिंग पे होता है, मेरे परफॉर्मेंस पे होता है। डायरेक्टर मेरे काम से खुश हो, दूसरे को एक्टर्स मेरे काम से खुश हो, आप शायद नहीं पहचानेंगे, लेकिन जो मेरे को एक्टर हैं वो बहुत फेमस एक्टर हैं। उनके साथ सीन करना एक चैलेंज है, हर बड़े एक्टर के साथ सीन करना चैलेंज होता है, आपको पूरा पूरा उतरना पड़ता है उनके सामने काम को लेकर। तो अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया होगा, आप कमेंट सेक्शन पे भी मुझसे पूछ सकते हो, मुझे मैसेज भी कर सकते हो, आई एम ऑलवेज़ हेयर टू हेल्प यू। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे दूसरे वीडियो के लिए आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी जानना हो, रिक्वेस्ट हो, मुझे भेज सकते हैं, आई एम हेयर टू रिप्लाई। চলা জমিতে আশ্রম গড়বে কেমন করে তুমি? চলা জমিতে